ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेश्रमी के साथ एक चिकित्सक एक डॉक्टर के साथ एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हवाईनेट पर बेश्रमी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाए के पिछड़ी जाति की बेटी के साथ हुई हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं। कहते हैं निर्दोष, इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। हम चाहते हैं अयोध्या आज बदल रही है, दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है। आप नौजवानों ने देखा होगा हमारा अयोध्या धाम जो पिछली सरकारों के कृत्यों के कारण अभिषिक्त सा हो गया था, आज अयोध्या देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। याद करिए अयोध्या कितनी संकरी गलियां थी, आज वहां की फोर लेन दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वहां के मार्ग उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वहां का एयरपोर्ट अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और जब आपने भी देखा होगा कि जिन लोगों को आज अयोध्या का विकास अच्छा नहीं लगता तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन आया कि 13,000 लैंड अयोध्या की 13,000 एकड़ लैंड 3 लोगों को आवंटित कर दी गई। मुझे बताओ क्या अयोध्या प्रॉपर में 13,000 एकड़ लैंड है क्या? पहले तो उनकी बुद्धि और विवेक पर ही मुझे संदेह होता है जो लोग इस प्रकार की न्यूज देते हैं। दूसरा, अयोध्या में कोई भी लैंड आवंटित नहीं की गई तो इस प्रकार की फेक न्यूज क्यों देते हैं? एक दिन फिर दूसरी न्यूज आती है कि अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई, यानी अयोध्या की जनता को और अयोध्या वासियों को कड़घरा में खड़ा करने का यह प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सके, नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है, अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लौलुहान किया था। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेश्रमी के साथ एक चिकित्सक एक डॉक्टर के साथ एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हवाईनेट पर बेश्रमी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाए के पिछड़ी जाति की बेटी के साथ हुई हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं। कहते हैं निर्दोष है। आपने लखनऊ की घटना भी देखी होगी। लखनऊ में एक बेटी अपने पिता के साथ और भाई के साथ बाइक से जा रही है, अचानक बारिश हो गई, पानी जमा हो गया, जबरदस्ती पानी फेंक करके फिर उस बेटी को गिरा दिया जाता है। और तब भी मैंने वहां कार्रवाई की थी और मैंने कहा था कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन।